आज के इस नए वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गाइस कि आप किस तरह से अपने वीडियोस में हाई लेवल की कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि आप लोगों ने थोड़ी देर पहले डिफरेंसेस देखा होगा कि मैंने एक फॉरेस्ट का सैंपल लिया और वहाँ पे मैंने एक वीडियो में कलर ग्रेडिंग कलर दिखाया, साथ ही साथ दूसरे में कोई कलर ग्रेडिंग नहीं है और दोनों को अटैच कर आप लोगों को दिखाया कि कौन से वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा मीन्स अच्छा लग रहा है, कलर ग्रेडिंग वाला ज़्यादा अच्छा देखने में लग रहा है और वो अच्छा लुक भी दे रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन की मदद से बताने वाला हूँ। आज के ये वीडियो में मैं कोई भी लाइट मोशन और लाइटरूम जैसी हार्ड एप्लीकेशन की मदद से नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल एप्लीकेशन की मदद से बताने वाला हूँ गाइस, जिससे लोग अक्सर अपने यूट्यूब वीडियोस को एडिट भी करते होंगे। तो गाइस विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर गाइस वीडियो में थोड़ा सा भी अगर आप लोग को नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर होने पर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। चलिए गाइस अब मिलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। सो गाइज आज के इस वीडियो में आप लोग को हाई लेवल की कलर ग्रेडिंग करने के लिए इनशॉट एप्लीकेशन की मदद पड़ेगी और इसी की मदद से आप बहुत ही हाई लेवल की अच्छी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपली इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है और आप लोग को इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का देख सकते हैं और आप लोग नॉर्मली से प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, बट प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने पे इसका वाटरमार्क आता है। तो आप वाटरमार्क को जानते हैं कि किस तरह से रिमूव किया जाता है, तो आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोग को वीडियो पे क्लिक करना है और सिंपली यहाँ न्यू पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से मैं भी एक फॉरेस्ट का सैंपल ले रहा हूँ, आप यहाँ से कोई भी एक सैंपल ले सकते हैं। और फिर आप लोग को करना क्या है, यहाँ से जाना है बैकग्राउंड पे और इसे नन कर लेना है और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को इस यहाँ पर आप लोग को एक फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यही फिल्टर का ऑप्शन ही सारा मेन काम होने वाला है। तो इफेक्ट है तो आप लोग यहाँ से एक ग्लिच का इफेक्ट डाल सकते हैं, नॉइस का। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स है, वैल्यू पूरा बढ़ा सकते हैं इसका और कम भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैं इसे थोड़ा इतना दे देता हूँ और इसे राइट कर देता हूँ और यहाँ से इसे कर देता हूँ सही। उसके बाद गाइस आप लोग को फिर से फिल्टर पर क्लिक करना और यहाँ से आप लोग फिल्टर पर क्लिक करें और यहाँ से अगर आप लोग का कोई भी अगर एक फोटोज़ है, वीडियो सैम्पल है कौन सा, अगर आप लोग का ग्रीन वीडियो सैम्पल है, फॉरेस्ट सैम्पल है, तो आप लोग सिनेमा वन को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके वैल्यू को आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आप लोगों को एडजस्ट पे आ जाना है, लाइटनेस है तो आप लोग लाइटनेस इसे बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट है तो आप लोग इसे भी बढ़ा सकते हैं, वार्मथ है इसे भी आप लोग बढ़ा दें, टेंट है तो आप लोग को इसे पूरा नहीं पूरा नहीं मीन्स आप लोग को इसे 40% तक रखना है और यहाँ से सारे चीज़ों को अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैं इसे इतना बढ़ाता हूँ। HSL में आती है मेन एडिटिंग। तो यहाँ पर अभी वीडियो को ऑन करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो को यहाँ पॉज करते हैं, अब देखते हैं मेन वीडियो की काम कहाँ होती है। सो वीडियो का काम HSL में ही होता है, जिसके मदद से आपका वीडियो और का फोटो सैंपल या फिर कुछ कोई भी वीडियो, आप नॉर्मल वीडियो भी अपने जो शूट करते हैं आप उसका भी कलर ग्रेडिंग आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ से इसका कितना अच्छा ये लुक दे रहा है। सो बाकी सब कम है तो आप लोग को थोड़ा सा इसे कम ही रखना है और यहाँ से आप लोगों को सारे का अमाउंट बढ़ा देना और आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, लॉन्ग वीडियो नहीं थी बट गाइज आप लोग को इस छोटे से वीडियो में कुछ नॉलेज मिला होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नहीं होने पर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। चलिए गाइज मिलता है ऐसी न्यू अमेजिंग लॉन्ग वीडियो के साथ।